नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एम नाम वाले जातक एवं एल नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एम नाम वाले जातक एवं एल नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। आप दोनों की अपने अपने जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती है, जो भी जरूरतें होती है, वो एक समान होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे के गुणों से, एक दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे इसके अलावा यदि एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सम्मान, अपने जीवन साथी के विचारों का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत ज्यादा रोमांचक एवं मजबूत होता है। लेकिन इसके अलावा यदि एम नाम वालों की बात करें तो एम नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों से दोस्ती करना, नए नए लोगों के साथ में समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मित्रों, एम नाम वाले जातक एवं एल नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप अवश्य कमेंट कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।